cómo se ve. भाई ये देख रहे हो इलेक्ट्रिकल स्कूटी है ना, क्या भाग रही है वे भाई, देख रहे हो क्या भाग रही है वे ये स्कूटी। ओ भाई, और क्या भगा रहा है बंदा। भाई मुरारी देवी ही नहीं, तो भाई यहाँ पे व्लॉगर को किया अलविदा और हम आ गए हैं दूसरी साइड पे। पहले दो बार तो मैंने सोचा भाई आगे हो जाते हैं, बट मेरे को मज़ा आ रहा था उसको देखने का। अच्छा कुछ तो करो, आगे पीछे दाएं बाएं किधर। तो भाई देख लो एकदम डेंजर वाला रास्ता है आ रहा है, अब सिंपल वन लेन है और ऊपर से ये जो घास गिरी है ना रास्ते पे, इससे बाइक और ज़्यादा स्लिप करती है। ऐसे ये स्लिप करने वाला घास है, कुछ अलग सा टाइप है, ये बहुत स्मूथ होता है, इस पर जल्दी टायर स्लिप कर जाता है। मैं तो बोलता भाई अगर इस पे तुम चले हो ना तो बिल्कुल भी ब्रेक मत मारो, ये बहुत गंदा स्लिप करवाता है। और ऊपर से मोड़ कतही हाई वाले, तो फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से होगा एकदम हाई लेवल वाला ऑफ रोड। तो चलो भाई यहाँ पे कतई गंदा वाला ऑफ रोड स्टार्ट है अब। यहाँ पे भाई एकदम सीधी जाके चढ़ाई है सीधी, मतलब बारिश के टाइम पे कोई गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती, चाहे वो 4x4 हो चाहे 8x4 हो, क्योंकि इस रास्ते पे इतना गंदा स्लिप होता है ना बारिश के टाइम। तो भाई आगे देख लो दो गाड़ी जा रही है और उसके आगे एक बस भी जा रही है। हाँ नहीं प्राइवेट है, तो उसके आगे एक बस भी जा रही है, तो मतलब बहुत गंदा रास्ता है भाई, बहुत गंदा। हाँ बबलिंग ही होता है, देखो भाई कतई हाई लेवल वाला ऑफ रोड है इधर, गाड़ियों की भी बस हो चुकी है, गैप रखते हैं थोड़ा सा गाड़ी से। पक्का
भाई हर कोई बंदा ऐसे जा रहा है। और बस की तो सबसे ज्यादा बैंड बजी पड़ी है इधर। हम एकदम बीच में चले हैं, हमारे पीछे भी एक गाड़ी है और आगे एक बस और एक गाड़ी है। तो भाई बस की हालत रिएक्शन देख रहे हो बेटे? भाई पूरी पूरी बस है वे। साल्या ये बंदा किया चला दा बस दवाई ने साल्या। ओ भाई 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 पूरी की पूरी बस आ रही है इस रास्ते पे और ऊपर से भाई मैं नहा के आया हूँ। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं। तो देखिए गाइस निचली तरफ आगे चलते हैं, आगे से दिखाते हैं। तो भाई व्यू देख लो यहाँ से एकदम सही लग रहा है और यहाँ पे बंदे आए हैं बड़े ज़्यादा। तो चलने का टाइम हो चुका है क्योंकि यहाँ से व्यू देख लो पहाड़ आगे वाला, इससे पीछे वाला पहाड़ भी दिख रहा है और उससे पीछे वैसे पीछे वाला देखो कितने पहाड़ सूझ जाते सामने, एक ना सेकेंड ना थर्ड फिर उससे पिछला पहाड़ भी सूझ जाता अगर और ऊपर से भाई वहाँ पे एक झील है। तो चलो चलते हैं, टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, जाने का टाइम हो चुका है और भाई अपना जा रहा है इस बकरी को पकड़ने। पकड़ ले रस्सी से दादी जी। भाई वेल डन ना समझ जो तीजो पर अभी अपने टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। ये रही बाइक अपनी। भाई गर्म होगी भाई काफ़ी ज़्यादा धूप की वजह से, मेरा मन भी नहीं कर रहा बैठने का, अभी मैं ग्लव्स नहीं डालूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है। और भाई को देखो घंटियाँ मारे जा रहा। तो चलो भाई अब इतनी बड़ी ऊपर से बाइक को नीचे भी उतारना है और वो बाइक जो गर्म है ना भाई सीट इसकी, अरे भाई भाई नीचे अपना फ्राई बन गया, समझ लो क्या फ्राई हो गया नीचे। तो भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और से नेक्स्ट से वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो और भाई सेफ रहो ठीक है। तो बाय गाइस।